हनुमानगढ़ राजस्थान से। हाँ अच्छा, प्रश्न जी। करें, क्या पूछना चाहेंगे? मैम ये मेरी की प्रॉब्लम आ रही है मेरी। अच्छे से बोलो सर, उठ के बैठो, थोड़ा बुलंद आवाज में बोलो ना भाई। हाँ जी मैडम, मेरी मैरिज के प्रॉब्लम के बारे में आपसे कांटेक्ट किया मैंने। हाँ जी, मतलब मैंने कामना की थी कोई देवी माता से, तो हाँ मैं मतलब बात नहीं बना पा रही, इस चक्कर के मैं कौन सी देवी की आराधना आपने किया था? वैष्णो देवी हाँ, वैष्णो की। हाँ जी देवी पता है, इंतजार में बैठी हैं। अच्छा, मैम, वैसे तो मैं मानती हूँ, पूजा भी करती हूँ और कभी उपवास भी किए थे। हाँ क्या जी, मानती हूँ मैं खुद इनको। बात हाँ जी, तो मतलब जो मेरा फ्रेंड है उनसे बात नहीं बन पा रही, शादी की उनसे बात करके देखा था। हाँ है। जी, तो मतलब क्या लिखा है भाग्य में, मतलब हमारे। हाँ जी, दिमाग का बड़ा एक्टिव है वो, तो राजपाल सिंह राजा ही है दिमाग का वो, लेकिन वो बहुत होशियार है भाई, किसी को भी समझता नहीं है, किसी की नहीं मानता, अपनी मानता है, अपनी सुनता है, अपनी कहता है, सभी लोग केवल उसकी सुने, ऐसा है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही है मैडम। और जल्दी से भटक जाता है, बहक भी जाता है, मन भी उसका इससे जी, बात। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दोस्तों के पीछे लग जाता है बहुत जल्दी। हमारी बात सुनिए ना मेरे बेटी, मैं हाँ थोड़ी पूछ रही थी कि किसके पीछे लगता है वो, जी, जितना बता रहे उतना सत्य है या नहीं? वो ओके मैम, हाँ सही है बिल्कुल। जल्दी बहक जाता है, किसी ने उसको झूठ भी बोला तो उस पे झूठ से यकीन कर लेते हैं वो, हाँ जी, और झूठ पे यकीन करके फिर आपको तो प्रताड़ित करता है, हाँ जी, आपसे पूछता है, इतना पूछता है, इतना पूछता है कि जवाब देने में खत्म ही हो जाते हैं आपके पास शब्द, सही हाँ जी, हाँ है कि नहीं? और जी, यही प्रॉब्लम है। हाँ कंफ्यूज रहता है, जी, और इधर भी बात करना, उधर भी बात करना, किधर भी बात करता है, हाँ जी, और सटीक निर्णय नहीं लेता, सबको गुमराह में कर रखा है उसने, सही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ और इसी विषय को लेकर के झगड़ा होता है आपको, आपके साथ, जी, तुम हाँ जी, कहती हो कि तुम सटीक निर्णय लो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, लेकिन वो मानता ही नहीं है, इधर भी नहीं छोड़ना चाहता, उधर भी नहीं छोड़ना चाहता, सभी मेरे अपने हैं, बिल्कुल ये भाव रखता है या नहीं आपका बॉयफ्रेंड? राइट है मैम। और धन का बहुत घमंड है उसको, है हाँ जी, कि नहीं? ये भी, हाँ जी है बिल्कुल। क्योंकि वो थोड़ा सा पैसा क्या है उनके पास में, वो बहुत अपने आप को रही, वो अंबानी समझने लगते हैं, ऐसा उनका वो है दिमाग, फटाफट उड़ाना, उड़ा करके और लोगों को अपने ओर आकर्षित करना, ये बड़ी कला है उनके अंदर, सही है कि नहीं? सारे हाँ जी, सही है। लोगों में दोस्तों के बीच राजा जैसे जीना चाहता है, और वो होता भी उसके साथ वैसे ही है, हाँ जी, लेकिन एक दिन धोखा खा लेगा वो। और रही बात ये है कि आप चाहती हैं उससे शादी करना, और उनका उतना रुझान नहीं है कि शादी आपसे करें वो, हाँ क्योंकि मन उनका स्थिर नहीं है, चंचल है, इधर भोंकना उधर भोंकना, वह यही क्रियाएं चलते रहती हैं, ये सत्य है या नहीं मेरे बेटे? तो जी, इसके हाँ, सही है मैम। तो आप चाहती हैं कि उनसे आपकी शादी हो, हाँ जी, मतलब बिल्कुल राइट है मैम। मनवांछित वर की प्राप्ति है, तो माता रानी से आप स्वयं प्रार्थना करें कि हाँ माँ भगवती, ये जो राज्यपाल है, क्या नाम जी, है? राजपाल। राज्यपाल है ये, आपके मन का राजा बने, और माता पिता परिवार जनों के कहने पर आपकी शादी हो, विवाह संस्कार हो, इसके बाद आप उसके घर दुल्हन बन के जाएं, और आपको वह गृह लक्ष्मी का सम्मान मिले, हाँ जी, ऐसी कृपा प्राप्ति के लिए आपको माँ भगवती
की आराधना, माँ पार्वती जी की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, तो मनवांछित वर की प्राप्ति होती जी है। और जितनी भी लड़कियां हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, अपने पति के मंगल कामना हेतु, पति के सुख की प्राप्ति हेतु, उसके निर्मल विचार की प्राप्ति हेतु, शुद्ध विचार की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं। इसी प्रकार आप भी भगवान शिव से प्रार्थना करें, दीक्षा लेकर के माँ भगवती की आराधना करें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके इस मंगल कार्य के लिए अनुष्ठान भी होते हैं, माँ बगलाओं के अनुष्ठान होते हैं और सिद्ध साधक महापुरुष करते हैं। और आप चाहें कि मैया, ये भी होना चाहिए कि उनके माता पिता सहित, आपके माता पिता सहित ये सब राजी हो और विवाह संस्कार बने, तो इसके लिए माँ बगलाम की देवी की आप आराधना करें। और पूजन पद्धति कैसे करना है, तो वो बेटा जो है लाइन पे वो बता देंगे आपको। ठीक है, हाँ ओके मैडम, ठीक ठीक है बेटी, है, धन्यवाद मैम, ठीक हाँ रखती हूँ। है।